हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइस मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आइस मेक। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर हाई गया था 258.85, लो गया था 241.50 एंड फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका क्लोज हुआ था 255.35 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹402.94 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹408.54 करोड़ एंड पीई रेशियो है 34.24। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹6.80 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.11। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कमी है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹7.45, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.89% एंड आरओसी है 12.15%। ये जो कंपनी है आइस मेक, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.51%, पब्लिक का होल्डिंग है 25.5%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, जो आपका 74.51% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने लास्ट एक साल के अंदर रिटर्न दिया है 247.89% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक आपका बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और ये जो कंपनी है आइस मेक, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट पे ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। पूरा चार्ट अगर यहां से देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है 23 सितंबर 2022 का दिन। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी देखिए यहाँ पे आपका अबव 60 है, लेकिन एमएसीडी अभी भी आपका 0.0 से नीचे। लेकिन ओवरऑल अगर बोलेंगे तो डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है अगस्त 2022 का फर्स्ट वीक। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी यह शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके बहुत ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 है और एमएससीडी भी आपका 0.0 से ऊपर ही है। मतलब डेली चार्ट में भी, सॉरी वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹255। अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से 3 से 4 महीनों में इस शेयर आपका ₹300 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।